भारतीय संस्कृति की आधारभूत विशेषताओं में मानवता का प्रमुख स्थान है। यही वह गुण है जो मनुष्य को अन्य जीवों की तुलना में विशिष्ट बनाता है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा और कर्तव्य निष्ठा जैसे मानवीय गुण किसी व्यक्ति में मानवता को परिपूर्ण करते हैं। संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी। आत्मार्थ जीव लोके अस्मिन् को न जीवति मानवा, परम परोपकारार्थ यो जीवति सा जीवति। अर्थात इस जीव लोक में अपने लिए कौन नहीं जीता, अर्थात सभी लोग तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए ही जीते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है, जो परोपकार के लिए जीता है, वही सच्चा जीवन जीता है। तो आज हम बात करते हैं मानवता के मुख्य बिंदुओं की। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि क्या मनुष्य पृथ्वी पर मात्र प्रसन्नता प्राप्त करने आया है? वास्तव में नहीं, वह तो संपूर्ण मानव जाति के लिए श्रेष्ठता का सृजन करने आया है। प्रत्येक मनुष्य अपने उज्जवल कर्मों के द्वारा जीवन का रूप बदल कर उसे नए आयाम दे सकता है, परंतु ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, लालसा, आर्थिक स्वामित्व, इन सभी ने समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास कर दिया। मनुष्य स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता जा रहा है। अतः आवश्यकता है मानसिकता में बदलाव की। जब तक कि हम मानवता को अपने जीवन का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक हम अर्थहीन जीवन ही जिएंगे, क्योंकि खुशियां स्वार्थी होकर नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है, परंतु वास्तव में वो एक इंसान बनना भूल जाता है। मैं किसी से बेहतर करूं, ये भावना मात्र मुझे एकाकी बनाएगी, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं, ये भावना मुझे आत्मिक संतोष व दूसरों के करीब लाएगी। क्योंकि जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारा मात्र एक जीवन सुधारता है, लेकिन जो प्रेम, जो अपनापन, जो सौहार्द हम दूसरों के साथ बांटते हैं, वो वास्तव में कई जीवन सुधार सकते हैं। अतः मानवता ही सबसे बड़ा कर्म है और मानव की सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है। मानवता एक विश्व बंधुत्व की भावना का दर्पण है। मानवीय मूल्य के द्वारा हम एक मानव को दूसरे मानव के निकट लाने का प्रयास करते हैं तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना का संदेश दे सकते हैं। संसार को भावी विश्वयुद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए मानवता ही एकमात्र आधार है। वस्तुतः जीवन मूल्यों के ह्रास को रोककर उनकी पूर्ण स्थापत्य करना ही हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। अंत में मैं एक स्वरचित दोहा प्रस्तुत करती हूँ जो मानवता को परिभाषित करता है। मानवता ही धर्म है, सेवा ही है कर्म, मूल्यों के मोती चुने, जीवन के ही मर्म। धन्यवाद।